महात्मा अपने शिष्यों के साथ पहले तो महात्मा तीर्थ यात्रा किया करते थे ना, गांव गांव भक्ति की अलख जगाते थे। राम नाम के मोती जिसकी झोली में गिर जाएं, द्वारे द्वारे जा करके भक्ति की अलख जगाते थे। ऐसे घूमते फिरते महात्मा अपने शिष्यों के साथ ऐसे जा रहे थे तो उनके पाँव में कांच गड़ गया और खून निकलने लगा। बहुत पीड़ा होने लगी। तो कुछ तो लोग बोले, देखो ये तो भगवान के भगत हैं और इनके साथ भी ऐसा हुआ, मतलब भगवान अपने भक्तों पर भी कृपा नहीं करते। लेकिन वो जो महात्मा थे वो नाचने लगे, वो बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में अश्रु थे लेकिन उनके मुख पर मुस्कुराहट थी। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, वो कितना दयालु है, आज तो मैं मरने वाला था और उन्होंने खाली ये थोड़ा सा खून बहाकर मेरी मौत को इस छोटे से घाव में परिणित कर दिया। वो कितने दयालु हैं। बस ऐसे ही भक्त की कसौटी यही होती है कि अगर कोई विपत्ति आन भी पड़ी है, कोई बड़े से बड़ा दुख भी आन पड़ा है, तो बस यही सोचना चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी होगी, हे प्रभु वो आपकी मर्जी होगी। आज शिवरात्रि पर यही संकल्प करिए अपने मन में कि मैं स्वीकार करता हूँ कि हर परिस्थिति में महादेव की नाई ध्यान करूँगा, भजन करूँगा, भक्ति करूँगा और हर परिस्थिति में महादेव की नाई प्रसन्न रहूँगा। मेरे गले में रुद्राक्ष है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरी आँख में आंसू तो आएंगे पर दुनिया की छद्म माया के लिए नहीं, मेरी आँख में आंसू गोविंद के लिए ही आएंगे, परमात्मा के लिए ही आएंगे। आज से ये संकल्प शिवरात्रि पर करिए। ये शिवरात्रि वही दिन है जिस दिन ज्योति के रूप में महादेव अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी तथा नारायण भगवान उनका ओर छोर नहीं जान पाए थे। वही ज्योति स्वरूप महादेव के प्राकट्य का ये दिन है जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये वही दिन है जब भगवती पार्वती जी के साथ महादेव का विवाह हुआ था। ये वही प्यारा दिन है, इसलिए एक बार फिर आप सबको मेरी व्यासपीठ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।